Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HTRX. Welcome back to the channel. साल बदल गया, दिन बदल गए, नया साल आ गया, लेकिन पाकिस्तान के हालात ना बदले और पाकिस्तान की हरकतें भी ना बदलें. समझ तो गए होंगे आप जी, हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना फलाना फलाना. तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसका टाइटल है जनाब के खाने को रोटी नहीं, धमकी हम अपने बाप को दे रहे हैं. और हिंदुस्तान स्पेशल से है जी, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1 एंड गो. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हाँ जी, नमस्ते ब्रदर, आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया अपनी मंत्री द्वारा तो भारत को न्यूक्लियर की धमकी दिए जाने पर खासा ओ यार, पाकिस्तानी सियासतदानों का काम यही है. शाजिया मरी ने भारत को एटम बम की धमकी दी है. शाजिया मरी का कहना है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस खामोशी के लिए नहीं है. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है. पाकिस्तान से समय समय पर ऐसे बयान आते रहते हैं. जिस देश में खाने के लाले पड़े हों और सैनिकों के लिए पैसे ना बचे हों, वो मुल्क एटम बम की बात करता अच्छा नहीं लगता. पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम उस मुल्क से क्या लड़ेंगे जो दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जा रहा है. दरअसल पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तानी मंत्री इस तरह की बातें की जाती हैं. इस वक्त पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है. यार हमारे रिजर्व जो है ना, वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं. ऐसे ही है. और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है. हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं. तो फिर हम क्यों नहीं तल्लुका ठीक करते, फिर आ जाके स्टेटमेंट ऐसी ही क्यों दे देते हैं? यार हमने ऐसे ही रहना, क्योंकि हम लोग खुद अच्छे नहीं है, इसलिए कि हमने खुद इनको वोट दे दे के लाया हुए हैं. बल्कि अब तो वोट की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर का आर्डर आए, बस जो है बस ठीक है फारग. ठीक है, अब तो ये सिस्टम हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता. अब खुदा की जात ही इस मुल्क को बचाए, वरना ये लोग तो अब कुछ नहीं छोड़े. चले फिर भी हम उम्मीद तो रखेंगे, उम्मीद हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने और आपने ही उम्मीद पे दुनिया का है को आगे लेकर जाना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला. ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो हमारा देखे अब पाकिस्तान का ये इमेज जाएगा. खुदा का वास्ता ये छोड़े, अपने मुल्क की अपने घर को ठीक करें, ये छोड़े. हम मोदी से फलाना हो गया तो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, बस छोड़ दे. हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, आपको पता है 95% हम 98% सब डिफॉल्ट हो चुके हैं. सिर्फ 2% बचे हैं. और खुदा की कसम मुझे डर लगता है कि यार ये मजदूर तबके का क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मजदूर तबका क्या करेगा. ऐसे ही श्रीलंका वाली सिचुएशन, अल्लाह माफ करे यार, बट डर लगता है, सोच के भी डर लगता है ये क्या करेंगे. अच्छा उधर से बड़ा सख्त रिएक्शन है. आज मैंने ये खबर सुनी है कि जी वो अमेरिका में जो पाकिस्तान का होटल है वो भी सेल होने जा रहा है. एक अरब डॉलर का होटल ये 60 करोड़ डॉलर में बेचने जा रहे हैं. 10 अरब 15 अरब डॉलर उसने खाली कमीशन देनी है. 35 करोड़ डॉलर के चक्करों में इन्होंने होटल बेच देना. क्या ही बोले यार, मतलब इस भाई के जज्बात और इस भाई की बेबसी देख के ही आप समझ जाएं कि इस वक्त पाकिस्तानी क्या सोचते हैं. पाकिस्तानी आवाम को ना कोई लेना देना नहीं है जंगों के साथ, टेररिज्म के साथ, या फिर किसी को नीचा दिखाना, या फिर जो है ना किसी से दुश्मनी रखना. पाकिस्तानी आवाम को इस चीज़ से नहीं है. पाकिस्तानी आवाम तो चाहती है भाई हमें 3 टाइम की रोटी मिले, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमें रोज़गार मिले, हम सुकून से सोएं रात को और मुल्क हमारा चलता रहे. लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ऐसे लोग जो इकतदार में रहते हैं, उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया कि अब हम होटल और एम्बेसियां और उनकी इमारतें बेचने पे आ गए हैं. मतलब ये तो वही हाल हो गया कि जब किसी को कहीं से कर्ज़ा भी नहीं मिलता ना, उसकी हरकतें देख देख के, या दुकान वाला जो है ना आपको उधार देना भी बंद कर देता है, तो फिर आप घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं. पाकिस्तान की वो हालत हुई पड़ी है. और उस पर अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस पे पर्दा डालने के लिए आप क्या कर रही हैं, आप एक शोशा छोड़ रही हैं कि हम एटम बम, हम ये, हम वो. ओए अल्लाह दा वास्ते भाई, कोई काम कर लो, कोई अकल को हाथ मारो. हैं इकोनॉमिकली तो तुम मुकाबला करने से रहे, ओए तुम वैसे भी मुकाबला नहीं कर सकते हो भाई. अभी मैं क्या बोलूं यार, इस तरह की हरकतें, इस तरह के बयान सुन के जो है ना, अभी देखो वो बेचारा अपने रोज़गार से तंग है, उसको रोज़गार की पड़ी है. तुम रोज़गार दो आवाम को. तुम ये बातें करके तुम क्या अपनी नाकामी छुपा लोगे? काम करो पाकिस्तानियों. और जो आवाम हमें देख रही है, ओ भाई जब वोट दिया करो ना तो काम करने वाले को दिया करो, पढ़े लिखे को दिया करो, चाहे वो उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो. लाजमी नहीं है वडेरा शाह और पुराने सियासतदान बुज़ुर्गों और पार्टी को देना है.
समझो इस बात को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा मीटर आउट हो गया, मैं ऐसे कुछ गलत बोल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।